बधाई हो दोस्तों, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मैरिज किया है या मैरिज सर्टिफिकेट बना करके खुद को शादीशुदा घोषित कर दिया है तो अब वो इनवैलिड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ फैसला आया है कि अगर आप हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग 7 फेरे लेकर के शादी नहीं करते हो तो आपकी शादी नहीं मानी जाएगी, ये अब इनवैलिड हो चुका है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लेते हुए साफ साफ कहा है कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आपको शादी करनी होगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं चलो अब मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आ गई अब हम शादीशुदा हैं, तो नाउ इट्स टोटली इनवैलिड है। तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारी शादी तो हो गई है, दूसरा करना है क्या? अरे तो मुझे उन लोगों की टेंशन है ना जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो घर वालों को मनाने के लिए होम क्या कर सकता है? होम तो सिर्फ ताबीज बना सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ सॉरी, गलती से ताबीज की जगह चार्जर आ गया, ये नहीं सुधरेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनती है, जन्म लेने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, यानी इंसिडेंट होने के बाद बन रहा है ना कोई भी चीज। तो आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, आप ऐसा मान लो कि किसी का जन्म नहीं हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, कहां है आदमी, कोई जिंदा ही है, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, तो क्या जरूरी है, वो आदमी जरूरी है या सर्टिफिकेट जरूरी है? मान लो आपने कहीं बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि आदमी खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, बोलेगा जज साहब मैं तो जिंदा हूं, अब वो मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आदमी या सर्टिफिकेट? यानी कि आदमी के मरने के बाद सर्टिफिकेट बनता है और जन्म लेने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसी तरीके से शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनना चाहिए ना, फैक्ट है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐसा कहा कि आपको अगर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और वैलिड चाहिए तो आपको 7 फेरे लेना जरूरी है। आपको या तो अपने घर वालों के पक्ष की तरफ से या तो ससुराल वालों के पक्ष की तरफ से, जो भी ट्रेडिशन को फॉलो करना है उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करनी होगी, उसके बाद आपकी शादी मान्य होगी। इसीलिए जो अब उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो अब रिलेशनशिप में है लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे, अब वो क्या करें, अब उनके पास कोर्ट का भी ऑप्शन नहीं है, कोर्ट जाएंगे सर्टिफिकेट बनाएंगे वो इनवैलिड होगा, बिकॉज 7 फेरे जरूरी है। तब आपको 7 फेरे का इंतजाम करना होगा। खैर जो भी हो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।